स्वागत है आपका मेरे रसोई की सफर में। आज मैंने बनाया है मिल्क केक। यह बहुत ही अच्छा दानेदार मिल्क केक बना है, बिल्कुल हलवाई जैसा, और इसे मैंने मात्र आधा घंटा में बनाया है। तो आइए देखते हैं आप घर में हलवाई जैसा मिल्क केक इतने कम समय में कैसे बना सकते हैं। इसके लिए मैंने आधा लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। इसमें से एक कप दूध हम निकाल के अलग रख लेंगे। एक कप दूध मैंने निकाल लिया है, इसका उपयोग हम बाद में करेंगे। बचे हुए दूध को हम मध्यम आंच पर गर्म होने के लिए रख देंगे। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि नीचे से दूध चिपके नहीं। जब इसमें उबाल आ जाए तब हम इसे 10 मिनट तक लगातार चलाते हुए पकाएंगे, जिससे कि यह थोड़ा रिड्यूस भी हो जाएगा। देखिए इसमें उबाल आ गया है, अब इसे लगातार चलाते हुए 10 मिनट तक हम पकाएंगे, जिससे कि इसकी मात्रा थोड़ी कम हो जाएगी। दस मिनट के बाद अब मैंने इसकी फ्लेम कम कर दी है और जो एक कप दूध हमने निकाल के अलग रखा हुआ था उसमें एक कप मिल्क पाउडर मिलाया है। अच्छे से हम इसे घोल लेंगे, गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। अब हम इसे उबलते हुए दूध में मिला लेंगे। इस तरीके से मैंने इसे उबलते हुए दूध में डाल दिया है। अब यह दूध काफी गाढ़ा हो गया है, मीडियम फ्लेम में इसे हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। अब इसमें उबाल आने लगा है, फ्लेम को मैंने कम कर दिया है और अब हम इसमें एक चम्मच सिरका डालेंगे। अगर आपके पास सिरका ना हो तो नींबू का रस भी इसमें डाल सकते हैं। हलवाई के यहाँ सिरका की जगह फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बिल्कुल भी स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, हमारी सेहत को इससे नुकसान पहुँच सकती है। अब हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे, जिससे कि यह अच्छे से दानेदार हो जाए। मिल्क केक बनाने में सबसे मेहनत का काम यही होता है, इसे रिड्यूस करना, इस तरीके से लगातार इसे चलाते रहना। लेकिन यह आप जितनी अच्छी तरीके से करेंगे आपका मिल्क केक उतना अच्छा बनता है। इसे बनाने के लिए आपको यह ध्यान रखना होगा कि जिस बर्तन का आप इस्तेमाल कर रहे हो उसका जो नीचे का पोर्शन है, यानी कि तली जिसे हम कहते हैं, वो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, वरना दूध बहुत जल्दी ही उसमें चिपकने लगता है। देखिए अब ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है, ऐसे ही हम इसे चलाते रहेंगे जिससे ये और गाढ़ा हो जाएगा। इसे रिड्यूस करने में 10 से 15 मिनट का समय लगता है। देखिए अब यह थोड़ा गाढ़ा हो गया है और अच्छा सा दानेदार लग रहा है। इसे हम और सुखाएंगे। मैंने इसमें किसी भी तरह के एसेंस का इस्तेमाल नहीं किया है। दूध का अपना एक अलग फ्लेवर होता है जो मुझे काफ़ी पसंद है, इसलिए मैं इसमें कोई भी एसेंस नहीं डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो जब यह इतना गाढ़ा हो जाए तब इसमें थोड़ा इलायची का पाउडर डाल सकते हैं। अब हम इसमें शक्कर मिलाएंगे। मैंने यहाँ पर आधा कप शक्कर डाला है। आपको मीठा जितना पसंद हो उस हिसाब से आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शक्कर डालने के बाद शक्कर इसमें घुल जाता है, जिस कारण थोड़ा सा यह वाटरी हो जाता है, तो इसलिए हम इसे और सुखा लेंगे। अगर आपको हल्का लाल या फिर थोड़ा सुनहरा रंग चाहिए
तो इस वक्त आप फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेंगे और इसे तेजी से चलाएंगे, या फिर आप इसे मीडियम फ्लेम पर ही थोड़ा धीरे धीरे चलाएंगे तो इसका रंग काफी सुनहरा हो जाता है। इसे हमें बहुत अधिक नहीं सुखाना है, अगर यह एकदम ही सूख गया तो मिल्क केक काफी कठोर बनता है। इसमें हल्का सा गीलापन रहना चाहिए। अब मैंने फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दिया है जिससे कि इसमें एक सुनहरा रंग आ जाए, और देखिए काफी ड्राई हो गया है। अब इसका रंग भी बदल गया है, हल्का सा गीलापन इसमें है। यहाँ पर गैस को हम बंद कर देंगे। एक ट्रे मैंने लिया है, ट्रे में हम बटर पेपर को लगाएंगे। ट्रे में बटर पेपर को लगाने के बाद हम इसमें ट्रांसफर कर लेंगे। ये प्रोसेस हमें इसके गर्म रहते ही करना है। ट्रे में इसे डालने के बाद किसी कटोरी या चम्मच की सहायता से हम इसे थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद हम इसे किसी ठंडी जगह पर रख लेंगे जिससे कि यह अच्छे से सेट हो जाए। एक घंटे बाद हम इसे देखेंगे। अब हम इसे एक प्लेट में निकालकर काट लेंगे। यहाँ पर मैंने कोई भी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल नहीं किया है, आप चाहे तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट बना है, कितने आराम से चाकू से यह कट जा रहा है। आप इसे अपनी पसंद के किसी भी आकार में काट सकते हैं। अब मैं आपको यह तोड़कर दिखाऊंगी यह कितना दानेदार और सॉफ्ट बना है। देखिए बिल्कुल हलवाई के यहाँ बना हुआ जैसे लग रहा है। तो इस तरीके से इतने कम समय में हमारी ये झटपट मिल्क केक तैयार हो गया है। आशा करती हूँ आपको यह पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।